अभी हमारा बात हुआ, हमने एक पहला प्रैक्टिस आपको बताया जिसमें हमने ये बताया कि आपको जो फिजिकल प्रैक्टिस है वो कैसे करते हैं। फिजिकल प्रैक्टिस के बाद में अभी हम बात करेंगे सेकंड प्रैक्टिस का, दूसरा जो प्रैक्टिस होता है वो कैसे करते हैं, वो आप समझ लीजिए, देख लीजिए। पहला प्रैक्टिस था हमारा जिसमें हमने शेक हैंड, इसको बोलते हैं हैंड शेक प्रैक्टिस, जिसमें हाथों को ऐसे हिलाया जाता है और 29 को 0 करते हैं हम। उसके बाद सेकंड प्रैक्टिस है, सेकंड प्रैक्टिस में हम अपने मन को और पास में लाते हैं और शरीर में ऊर्जा हम ज़्यादा करते हैं, हमारा मन हमारे और नज़दीक आ जाता है इस प्रैक्टिस के द्वारा। करना ऐसे ही है, थोड़ा सा ये जो पैर है ये थोड़ा सा हल्का सा झुका हुआ इस तरह से रखना है और सांस भरना है। सांस भर के लिए हमारा हाथ, हम मन में ऐसे सोचेंगे जैसे कोई बॉल हमारे हाथ में है, ये हाथ ऊपर जाएगा और फिर ये हाथ नीचे आएगा, सांस भरेगा ऊपर जाएगा, ऐसे करके हाथ में ऐसे फील करना है कि जैसे कि मन हमारे हाथ में एक बॉल है, सांस भरेंगे 29, नीचे आएंगे तो एक फेल होगा तो 29 करेंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे 27। ये सांस के साथ होगा, जैसे जैसे सांस धीरे धीरे जाएगा ऊपर हाथ जाएगा, सांस निकलेगा नीचे आएगा 29-0 किया। इस तरह से हमारा जो मन था वो हमारा हमारे पास आ गया। और इसमें एक चीज़ और करेंगे हम, ऐसे करके हम जो एनर्जी है उसको हम अपने पास लाएंगे, ऐसे करके एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है हम उसे अपने अंदर समाहित कर लेंगे। यानी कि अपने मन को जो हमारा ये जो हमने किया है, ये बॉल को मन में क्या विजुलाइज किया कि जैसे एक बॉल हमारे हाथ में है, उस बॉल को हम ऐसे करके ऊपर नीचे हम हाथ करें, सांस ऊपर खींचा हाथ ऊपर गया, सांस नीचे किया तो हाथ नीचे आया, इस तरह से जिस सांसों के साथ अपने मन को हम सामंजस्य बिठा देते हैं। तो ये हमारा सेकेंड फेज था जिसमें हमने अपने बॉल को विजुलाइज किया अपने हाथ के अंदर। उसके बाद हमारा है थर्ड फेज, उसको हम बताएंगे इस अगली वीडियो में।